स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नमोर द सबमरीनर के बारे में। नमोर द सबमरीनर कौन है भाई, इसकी ओरिजिन क्यों मैं बता रहा हूँ? सिंपल सी बात है, ये ब्लैक पैंथर 2 में विलन होने वाला है। जिस तरह से हमें एवेंजर एंड गेम में पता चला है, आयरन मैन 2 में पता चला है, उसके कुछ कुछ हिंट्स मिले थे। जैसे वो जो ओकोई है, वो जाके जो स्कारलेट जोहानसन के सामने जो वो स्क्रीन्स पे वो सब लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ कैप्टन मार्वल है, बीच में हमारी वॉर मशीन वाला कैरेक्टर बंदा बात कर रहा है, और इधर वो कोई है, ये लोग जब बात कर रहे हैं स्कारलेट जोहानसन से यानी हमारी ब्लैक विडो से सामने बैठ के, तब वो बोलती है वो कोई स्कारलेट यानी हमारी ब्लैक विडो को कि भाई समुंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, समुंदर में कुछ हलचल हो रही है। तो ये कौन है? तो ये नमोर की ही हलचल है। तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि एक्चुअली नमोर भाई कहाँ से आ गया उस जगह पे जहाँ पे ब्लैक पैंथर रहता है वकांडा में, तो वो भी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। और आयरन मैन 2 में भी हमें एक डिस्प्ले पे हुड के जरिए यानी जो ग्राफिक्स था उसके जरिए हमें पता भी चल रहा था कि समुंदर में कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है। तो ये है भाई लोग जो हमारे अब तक डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है मूवीज में। और विलन तो ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भाई नमोर ही विलन रहेगा ब्लैक पैंथर 2 में, इसलिए मैं इसकी ओरिजिन आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नमोर की। नमोर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत पुराना है, जब मार्वल कॉमिक्स का नाम मार्वल कॉमिक्स नहीं अटलांटा कॉमिक्स था, तब से ये इतना पुराना कैरेक्टर है। और इसके पास पावर्स है सुपर एबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर हीलिंग पावर्स और उड़ने में भी मास्टर, और हीलिंग पावर्स भी इसकी सारी जो पावर्स है वो सारी की सारी पानी के अंदर यानी समुंदर में काम करती है, और समुंदर के बाहर उसकी ये ज़्यादा पावर्स काम नहीं करती है। तो समुंदर में उसके जो कानों के पास गिल्स बने हैं उसके वजह से वो समुंदर में सांस ले सकता है, और जो फिन्स बने हैं पैरों में उसके वजह से वो समुंदर में स्पीड से कहीं भी जा सकता है यानी सुपर स्पीड से भाग सकता है इधर उधर समुंदर में कहीं पे भी। और कुछ कॉमिक्स में उसको पानी के बाहर फिन्स की जगह पे विंग्स दिए गए थे जिस वजह से उड़ भी सकता था। तो ये ऐसा सुपर हीरो है या ऐसा एंटी हीरो है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो अहंकार से भरपूर है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अहंकार उसको इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, इस वजह से ही ये कभी कभी हीरो का काम करता है तो कभी कभी विलन का काम ज़्यादातर करने में लगता है। ये मार्वल का ऐसा सुपर हीरो है जो कि एक सुपर हीरो भी है और एक एंटी हीरो के तरह भी काम करता है, और ऊपर से ये एक पहला मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट है एक तरह से, और ये अटलांटा का राजा भी बताया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इसकी ओरिजिन के बारे में। यूनाइटेड किंगडम के जो एम्पायर प्रेसिडेंट थे उन्होंने आर्नेस सैकल्टन्स को एक जहाज की मुहिम पे भेजा, एक खोज करने के लिए भेजा, एक धातु की खोज करने भेजा, और वो धातु क्या था जिया दोस्तों? वो धातु था वाइब्रेनियम। इस वजह से उसको खोजने के लिए गए, और वो खोजने के पहले ही उनकी शिप गायब हो गई यानी एक तरह से कहीं तो फंस गई, अटक गई, या फिर कुछ उस शिप के साथ हो चुका है। और उसके बाद 5 सालों के बाद हमारे जो लियोनार्ड मैकेंजी थे उनको भेजा गया फिर से वही धातु ढूंढने के लिए, यानी ये सबसे महंगा धातु था ऑब्वियसली, मार्वल के मूवीज देखते हो तो आपको पता ही है। तो लियोनार्ड मैकेंजी को भेजा गया 5 साल बाद, और 5 साल बाद वो जब जा रहे थे उसी दिशा में तो उनको एक शिप मिली जो कि चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी। ये वही आर्नेस की पूरी शिप थी। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने वहाँ के चट्टान में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किए, एक तरह से बॉम्ब फोड़े वहाँ पे, और वहाँ पे बॉम्ब फोड़ने के टाइम पे उनको पता नहीं था कि इस पहाड़ के नीचे जो समुंदर की गहराई में छुपा है वो अटलांटियंस का शहर है। उनको पता नहीं था, वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, और वो बॉम्ब ब्लास्ट होने के वजह से वो सारा का सारा समुंदर में वो पूरा का पूरा पहाड़ गिरने लगा, और वो जाके गिरा अटलांटियंस शहर पे, और शहर पे गिरने के वजह से वहाँ का शहर टूटने लगा, कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, कुछ कुछ लोग मर गए। तो वहाँ के जो प्रिंस थे ठाकर, उन्होंने ये जांच करने के लिए वहाँ के लोगों को ऊपर भेजने की कोशिश की कि भाई आखिर ये सरफेस के लोग करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं हमें कि हमारे ऊपर इतने यानी अटैक कर रहे हैं एक तरह से। तो वहाँ पे जो हमारी ठाकर की बेटी है यानी प्रिंसेस थीना, उनको
ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई मैं जाती हूँ ऊपर और मैं जाके उन लोगों से बात करती हूँ और आखिर क्या वो करना क्या चाहते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे लाके दूंगी, क्योंकि उसके पास यही मौका होता है उसकी काबिलियत साबित करने का। तो इस वजह से थीना ऊपर जाती है, जो प्रिंसेस है ऊपर जाती है, और जो मैकेंजी की शिप है उसमें जाके उसको पता चलता है कि भाई ये शिप है, यहाँ पे लोग है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये जानने के लिए कि भाई आखिर में ये लोग करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, तो वो खुद को वहाँ पे पकड़वा लेती है और मैकेंजी के लोग उसको मैकेंजी के पास लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद धीरे धीरे उन लोगों की उसको बातें समझ में आती है कि उन्होंने ये ब्लास्ट जानबूझ के नहीं किया है, उन्होंने ये ब्लास्ट उस शिप को निकालने के लिए किया था। तो धीरे धीरे वो तो किडनैप है वहाँ पे, प्रिंसेस थीना उनके पास ही है। तो धीरे धीरे मैकेंजी और थीना के बीच में प्यार होने लगता है, तो प्यार होने के साथ साथ वो लोग शिप पे ही वहीं पे ही शादी कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें ठाकर को तो पता नहीं है, जो कि ये है हमारा राजा है अटलांटियंस का, उसको पता नहीं है कि भाई क्या चल रहा है ऊपर, मेरी बेटी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया ऐसा उसे लगता है, क्योंकि अभी एक वीक से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से ठाकर जो हमारा राजा है अटलांटा का, वो फिर से कुछ लोगों को यानी सैन्य बल भेजता है ऊपर कि भाई जाके मेरी बेटी को छुड़ा के लाओ। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सीधा सीधा उस जो मैकेंजी की शिप है वहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं, वहाँ के सारे लोगों को मार देते हैं, और तभी मैकेंजी की भी वहाँ पे मौत हो जाती है और वो लोग थीना को लेके वापस हमारे अटलांटियन शहर में आ जाते हैं राजा के पास। और कुछ महीनों के बाद उस को वो प्रेग्नेंट हो जाती है एक तरह से, और कुछ महीने के बाद उसको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नमोर। इसका नाम नमोर क्यों है? द एवेंजिंग सन, इसको बोलते हैं द एवेंजिंग सन, नमोर नाम रखा है और द एवेंजिंग सन। और ये अटलांटा का राजा है, धीरे धीरे बनते जाता है आगे। और अब नमोर बड़ा होने लगता है तो उसकी जो भाई बहन है उनके साथ ही, जो नमोर है उसकी बहन है उनके साथ ही वो खेलने लगता है और बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम एक चीज़ वहाँ पे होती है कि वहाँ पे उनकी यानी अटलांटियन शहर में कुछ सैनिक घुस रहे हैं, कुछ घुसपैठ हो रही है, उनको ऐसा पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें पता करने के लिए कि आखिर में वो लोग चाह क्या रहे हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे नमोर को मिलती है। तो नमोर वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये नाजिस्ट है जो कि अटलांटियंस को काबू करना चाहते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, और रिसर्च करके वो उनके जो युद्ध है उसमें जीतना चाहते हैं। तो तभी फर्स्ट टाइम नमोर सरफेस पे आता है और उस टाइम की जो मार्वल की सबसे पहली मार्वल की सुपर हीरो टीम थी जिसका नाम था द इन्वेंटर, उनके साथ ज्वाइन होता है, जिसमें हमें दिखते हैं कैप्टन अमेरिका और हमारे जो ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च है वो, और जो हमारा स्पीडर है उसका जो साइड किक है टोरो, वो भी हमें इस टीम में नज़र आता है। ये सारे लोगों के साथ वो टीम अप करता है और इन जो नाजीज हैं उनको हटाने की वहाँ से कोशिश करता है। और ये सारी चीज़ होने के बाद नमोर द इन्वेंटर टीम को ज्वाइन कर लेता है, बट इसके जो अहंकार है, इसका जो गुस्सा है, उसके वजह से वो टीम मेंबर के साथ हमेशा से झगड़ा करते रहता है। कभी कभी विलन की तरह काम करने लगता है, कभी कभी एंटी हीरो की तरह काम करने लगता है उस मेंबर से हटके, यानी उस टीम के बाहर निकल के। ऐसे ही इस तरह से हमें हमारे सामने आता है नमोर। ये तो थी मार्वल की गोल्डन एज की कहानी। और उसके बाद जब मार्वल में एक्चुअल में नमोर को इंट्रोड्यूस कराया गया तो फर्स्ट टाइम हमें एज अ विलन ही उसको दिखाया गया, बताया गया, हमारे सामने रखा गया पूरी चीज़ों के साथ। तो एक दिन क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन टॉर्च है वो कहीं तो जा रहा है, तो उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि थोड़ा बहुत बूढ़ा दिखाया है, उसको एक आदमी मिलता है जिसकी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सब बड़े हैं। और उसको देखने के बाद उसकी कुछ पावर्स उसको पता चलती है कि भाई इसमें ये पावर्स है, तो वो चौंक जाता है कि भाई ये ऐसे बंदे के पास कैसे क्या पावर्स हो सकती है। तो वो उसकी जो आग है वो छोड़ता है उस बंदे के ऊपर, उस आदमी के ऊपर, और उसकी पूरी दाढ़ी जलने लगती है। और जैसे ही जल के पूरी की पूरी गायब हो जाती है तो उसका चेहरा हमारे सामने रिवील होता है, जो कि उसको तब पता चलता है कि भाई ये तो नमोर है द सबमरीनर, जो कि द इन्वेंटर टीम का मेंबर रह चुका है। तो वो क्या करता है, उसकी याददाश्त वहाँ पे चली गई है, नमोर को पता नहीं है कुछ भी, तो ह्यूमन टॉर्च उसको उठा के सीधे के सीधा समुंदर में फेंक देता है। तो कुछ टाइम समुंदर में रहने के बाद, कुछ ही देरों बाद, उसको उसकी सारी की सारी यानी हमारा जो नमोर है उसकी सारी की सारी याददाश्त वापस आने लगती है। और वापस आने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये जो मेरी हालत थी, जो मेरी याददाश्त चली गई थी, ये सरफेस के लोगों की वजह से ही चली गई थी। तो उसने वहाँ पे प्राण लिया है, उसने वहाँ पे एक शपथ ली है कि भाई मैं आऊँगा वापस और इस जो सरफेस के लोग हैं उनको मैं सबक सिखाऊंगा, एक तरह से इसका मैं बदला लूंगा। तो इस वजह से जो सी मॉन्स्टर है उनके साथ मिलके
नमोर वापिस आता है, और वापिस आने के बाद फैंटेस्टिक फोर के साथ उसकी एक झड़प भी होती है, और इसमें नमोर फिर से हमारे अटलांटियन शहर बदला लेके अटलांटियन शहर चले जाता है, और चले जाने के बाद फिर से वापिस आता है क्योंकि वो हरा नहीं पाता है सब लोगों को, तो फिर से वापिस आता है। तब उसको हल्क मिलता है, हल्क मिलने के साथ साथ उसको वो टीम अप करना चाहता है हल्क के साथ कि भाई हल्क तू मेरे साथ आ जा और हम दोनों मिलके इस सरफेस के लोगों को हराएंगे। तो जैसे ही ये बातें चलती रहती है उसी के बीच में हल्क नॉर्मल बन जाता है, यानी ब्रूस बैनर बन जाता है। तो जैसे ही ब्रूस बैनर बन जाता है तो वो ये फालतू की बातें छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ से भागने के बाद जो हमारा नमोर है वो फिर से उस जो नई एवेंजर की टीम है उनके साथ लड़ने लगता है। तो लड़ने के साथ साथ वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है और वो बीच में ही छोड़ के, वो सारी चीज़ें बीच में ही छोड़ के वो जाने लगता है। जैसे ही वो नॉर्थ साइड में जाने लगता है तो उसका गुस्सा और अहंकार तो उसके पास बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। वो एक तरह से लड़ाई छोड़ के जा रहा है नॉर्थ के साइड में। जैसे ही जा रहा है तो उसको एक दिखता है कि भाई एक बर्फ की चट्टान है जिसमें कोई तो आदमी फंसा है, और आदमी फंसा है और वो वहाँ के जो लोग हैं नॉर्थ साइड के वो लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उसको ये लगता है यार ये क्या फालतू लोग हैं, ये इसकी पूजा कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ता है बिना ये जाने कि उसके अंदर उसका पुराना टीम मेंबर होता है जिसका नाम होता है कैप्टन अमेरिका। तो वो उस बर्फ के टुकड़े को सीधे के सीधा समुंदर में फेंक देता है, और ऐसे ही वो टुकड़ा जाके एवेंजर्स को बाद में मिलता है और एवेंजर्स हमारे कैप्टन अमेरिका को रिवाइव करते हैं। तो यही है ओवरऑल पूरी की पूरी नमोर की कहानी जो मैंने आपको बताई। आपको और कुछ डिटेल जानने हैं या और कुछ चीज़ें आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ ओरिजिन चाहिए आपको पता नहीं है वो भी आप डिटेल में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।